और आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि आखिर हसन मदनी ने हिंदू राष्ट्र पर क्या बयान दिया था। दरअसल इस्लामिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद के भतीजे हसन मदनी ने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वे सब लोग गद्दार हैं। मुंबई में जमीयत उलमाए हिंद की मीटिंग में हसन मदनी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सोच रहे पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी गलत नहीं। यानी जमीयत उलमाए हिंद का कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी की जाएगी। हसन मदनी का पूरा बयान सुनिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पर हसन मदनी की तरफ से बयान दिया गया, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले गद्दार हैं, ऐसे में तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना भी गलत नहीं है। ये उनकी तरफ से कहा गया। मौलाना अरशद के भतीजे हैं हसन मदनी। हालांकि मौलाना अरशद ने अपने भतीजे के बयान से ही किनारा कर लिया है, लेकिन ये बयान कहां तक जायज है? ये देश को बांटने वाला, देश को तोड़ने वाला बयान उनकी तरफ से दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जो भी लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो गद्दार हैं, और अगर हिंदू राष्ट्र की मांग इस देश में उठ रही है तो फिर मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना भी कहीं से गलत नहीं है। सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? और महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। महंत जी, हसन मदनी की तरफ से जिस तरीके से बयानबाजी की गई है इस पूरे मुद्दे को लेकर, गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, सनातन धर्म को, क्योंकि संत समाज के जो लोग हैं हिंदू राष्ट्र की बात से लगातार जुड़ते आए हैं, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और संत समाज क्या पलटवार करेगा इस पूरे बयान पर? पहले बात तो दुर्भाग्यपूर्ण बयान है हसन मदनी जी का। जिस प्रकार से उन्होंने देश को बांटने की साजिश के तहत उनका बयान ये माना जाएगा, भारत एक सनातन प्रधान देश है, यहाँ पर संविधान का राज है, संविधान ने सबको अधिकार दिया है, हर एक प्रकार से पूजा पाठ अपने विचार आचार से स्वतंत्र होके राष्ट्र के एक सूत्र में पिरो की बात करना, काम करना, सनातन सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है कि सबको समान अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जितना हिंदू को रहने का अधिकार हो, पूजा पाठ करने का, उनके अपने प्रकार से उनकी संस्कृति को मानने का, पूजा पद्धति का, उसी प्रकार इस्लाम को भी मानने वाले का उतने ही छूट दिया जाता है, उसी का नाम है हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति। और भाई गजब बात करते, हिंदू राष्ट्र का बात करने वाला वो गद्दार कैसे हो सकता है? भाई ये साधु संतों की देश है, सनातन वाला देश है, जहां पर नदियों को माता की संज्ञा दी गई है, जहां पर जानवरों की भी माता की संज्ञा दी गई है, जहां पर विषैले नाग की पूजा होती है, जहां पर पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करने वाली जान देने वाला वृक्षों की भी पूजा होती है, उस सनातन संस्कृति वाला देश है, वो हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ पर कट्टरपंथी भाव नहीं है। दो बातें समझनी है। भारत वो देश है जिसकी सनातन एक खूबसूरती है, इसका संस्कृति का अहम हिस्सा है, इसको सब लोग मानते भी आए हैं। हालांकि ये जो बयानबाजी हो रही है वो साधु संतों या फिर ऐसे धर्मगुरुओं को नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे आपसे समझना है, दो बातें आज एक दिन में हुई है। हसन मदनी कहते हैं कि अगर हमने मुस्लिम कंट्री की मांग की तो हम गद्दार कैसे? दूसरे एक आप ही के प्रदेश के, जिस प्रदेश में आप यूपी में बैठे हुए, वहीं पर एक नेता आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि ये जो साधु संत दिख रहे हैं वो तो आतंकवादी थे पहले। इस तरीके से बयानबाजी नहीं, मैं पहले मदनी जी के बयान पे देता हूँ। अगर हिंदू हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र की बात क्यों नहीं करें? भाई मैं उनसे निवेदन करता हूँ, धर्म के आधार पर बंटवारा किसने कराया? हमने तो कराया नहीं, उनके पूर्वजों ने ही
धर्म के आधार पर एक बार अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ हिंदू से हिंदुस्तान से पाकिस्तान कर दिया। भारत से हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान में रहेगा। फिर भी जो कट्टरपंथी मुसलमान थे वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया, पाकिस्तान हो गया, वो गए। लेकिन फिर भी हमने लोगों को मनाया, हिंदुस्तान में रखा, हिंदुस्तान में उनको जनरल से लेके कर्नल तक, राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति तक, यहाँ से प्रधान से लेकर संसद भवन तक उनको समान अधिकार दिया, किसी भी प्रकार से भराव नहीं। आप देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, हिंदू शून्य बराबर हो गया, वहां कोई हिंदू बोल नहीं सकता है, हिंदू माँ बहन बेटियों की बलात्कार होता है, वहां धर्मांतरण होता है। जहां धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ उस समय में पाकिस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 3 करोड़ था, 0 बराबर हो गया। अब आ जाइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर, आपने कहा जिस प्रकार से इस बयान का मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, आप इस वक्त हमारे साथ बने रहिए। लेकिन दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देनी यहाँ बहुत जरूरी है। हाल ही में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसी के बाद से बवाल शुरू हुआ। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद के भतीजे हसन मदनी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार बात कर रहे हैं वे सब लोग गद्दार हैं। हिंदू राष्ट्र कब आएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है, भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी होगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी रखती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाए। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए, इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं। असल गद्दार वो है इस देश के जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा, सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा। तो हमने वो बयान भी सुना जो धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से दिया गया था, और हमने वो भी सुनवाया जो हसन मदनी कह रहे हैं। हमारे साथ महंत राजू दास लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने हसन मदनी और धीरेंद्र शास्त्री पर हमला बोल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर मुस्लिम राष्ट्र की, ये संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान के तहत किसी भी राष्ट्र को, खासकर भारत राष्ट्र को, किसी धर्म से जोड़ के उसके प्रभाव से एक राष्ट्र बने, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। तो मेरा तो ये सीधी बात है कि जो भी, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात करें, चाहे इस्लाम राष्ट्र की बात करें, चाहे किसी और धर्म के राष्ट्र की बात करें, ये बात संविधान के बिल्कुल अलग है, संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है। तो हसन मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र का मैं विरोध करता हूं, हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं वो गद्दार है। तो वहीं जमीयते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद बजरंग दल पर प्रतिबंध का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा है। सवाल क्या का है वो भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस आज बजरंग दल पर बैन की बात कह रही है, अगर यही बात वो 70 साल पहले करती तो ठीक होता। हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगल लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तदार उनके हाथ से न जाता। जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बजरंग दल के मुद्दे पर न्यूज 8 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बात को जनता ने कबूल किया। ऐसे में अगर कांग्रेस अपने वादों से मुकरती है तो दूसरे राज्यों के चुनाव में जनता उन्हें जवाब दे देगी। जो आपने बयान दिया है, खासतौर से
बजरंग दल को लेकर कि अगर कांग्रेस 70 साल पहले ये कर लिया होता, पाबंदी लगा दी होती, तो मुल्क बर्बाद नहीं होता। एक बार जरा दोहराएं कि क्या आपने वहां पर क्या कहा था, पूरा बयान। नहीं, मैंने ये कहा था कि कर्नाटक में बीजेपी ने जितना जोर लगाया जा सकता था वो सारा जोर लगाया, लेकिन कोई चीज काम ना आ सकी और बीजेपी की तमाम तर कोशिशों को जनता ने ठुकरा दिया। सबब उसका क्या हुआ? कांग्रेस ने जो बातें कही जनता ने उसको कबूल किया। कांग्रेस की ये बात कि वो ऐसी फिरका परस्ती जिसने पूरे मुल्क के अंदर अकलियतों को तबाह करके रख दिया, बर्बाद कर दिया, उस फिरका परस्ती पर लगाम लगाने की बात कांग्रेस ने कही। इन दोनों भाई बहनों की बात को जनता ने कबूल किया। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ने कबूल किया, मुसलमान ने कबूल किया, ईसाई अकलियत ने कबूल किया, दलित लोगों ने कबूल किया, हिंदुओं ने कबूल किया, मुसलमानों ने कबूल किया। अगर ये अपने उन वादों के ऊपर खरे उतरते हैं तो हिंदुस्तान की सारी रियासतें उनको कबूल करेंगी, मरकज का इलेक्शन उसको कबूल करेगा। अगर खुदा न खौस्ता ये वादे करके कांग्रेस पीछे हट गई, उन वादों को पूरा न कर सकी, तो फिर दूसरे ये सूबों के अंदर जाकर कांग्रेस इलेक्शन के अंदर कोई बात नहीं कर सकेगी। तो अरशद मदनी का क्या कुछ कहना है ये आपने सुन लिया। हमारे साथ महंत राजू दास जी जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। महंत जी, अरशद मदनी का बयान सुना आपने, वो सीधे सीधे कर्नाटक में जो बजरंग दल का मुद्दा उठा था उसको एक बार फिर से उठा रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बजरंग दल के मुद्दे पर उन्होंने जो टिप्पणी की है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं पुनः निवेदन करूंगा, बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो सेवा, सुरक्षा और संस्कार की बात करती है। बजरंग दल कभी नहीं कहा देश को तोड़ना है, कभी नहीं कहा समाज को बांटना है, कभी नहीं किसी के प्रति उसका कोई गलत भाव रहा। हाँ, बजरंग दल ने जो देश तोड़ने की बात किया है उसको जरूर ठोका है। बजरंग दल ने जो जो संस्कृति को मिटाने की बात किया है, जो गलत तरीके से संस्कृति को ले जाते हैं, हाँ उसको रोकने की बात किया है। इस चीज को लेकर लोगों को तकलीफ हो